बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आपको इस वीडियो में ये बताने वाले हैं कि एएनबी टेली मनी का बैंक अकाउंट ऑनलाइन किस तरह ओपन करें। तो चलिए, वीडियो लंबी हो जाएगी अगर हम ज़्यादा बात करेंगे। सबसे पहले हम अपना टेली मनी ऐप डाउनलोड कर लेंगे। ऐप डाउनलोड करने के बाद आपके सामने इस टाइप का इंटरफेस आ जाएगा, सिंग इन रजिस्ट्रेशन ओपन ए टेली मनी अकाउंट। थर्ड नंबर पर हम यहाँ क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यह आपको एएनबी वेबसाइट पर पेज पर लेके आएगा। यहाँ आने के बाद सबसे नीचे आ जाएंगे, आप देख सकते हैं आई हैव रीड द, हम आप दोनों जगह टिक कर लेंगे और दोनों जगह टिक करने के बाद हम प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। आप देख सकते हैं आपके सारी चीज़ें आ गई, इन्फॉर्मेशन आ गई, आंसर द फॉलोइंग द क्वेश्चन ऑफ द प्रोसीड, हम सारी जगह नो नो ऑलरेडी है, इसको नो नो ही रहने देंगे। इसके बाद हम आई हैव द रीड द कन्फर्म अबाउट द ऐप, यहाँ हम प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। उसके बाद से डी के लिए मेरे तो हम यहाँ इसको कंटिन्यू पे क्लिक कर लेंगे। उसके बाद ये आपको सीधा आपके अफसर के अकाउंट पे लेके जाएगा। हम यहाँ अपना कामा नंबर डाल लेंगे, उसके बाद अपने अफसर का पासवर्ड डाल लेंगे हम। कैप्चा कोड डाल लेंगे सेम, लॉगिन पे क्लिक करेंगे। आपके मोबाइल पे एक ओटीपी आएगी, वो ओटीपी यहाँ डालेंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं सक्सेसफुली हो गया है। अब आपके सामने आपके नेशनल एड्रेस की इंफॉर्मेशन आपके सामने सारी आ जाएगी, ठीक है। इसको पांच स्टेप में पूरा पूरा करना है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं आपके एक्सपायरी भी आ गई सारी चीज़ें। अब यहाँ अपना जीमेल अकाउंट डाल देंगे हम। यहाँ अपना मोबाइल नंबर डाल देंगे, ज़ीरो के साथ डालना है। उसके बाद से यहाँ टिक करके वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। देख सकते हैं आपके मोबाइल पे फिर एक ओटीपी आएगी, एएनबी बैंक के तरफ से आई है, ओपन योर ओपनिंग अकाउंट। अब यहाँ हम ओटीपी डाल देंगे। सॉरी नहीं ले रहे, इसको कॉपी पेस्ट करके डालना पड़ेगा। चलिए हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। कॉपी पेस्ट करने के बाद हम वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। सॉरी नहीं हुआ, इसका थोड़ा एनबी का यही मसला है कि इसके कारण है ओटीपी डालना भी थोड़ा मुश्किल होता है, आपको थोड़ा कॉपी पेस्ट करने पड़ता है। देखिए नहीं ले रहा, फिर से हम कॉपी पेस्ट करते हैं। देख सकते हैं वेरीफाई पे ओके करने के बाद आप देख सकते हैं आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन मांगी जा रही है कि आप क्या हैं, सिंगल है क्या है। चलिए हम अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन डाल देते हैं, प्लेस ऑफ बर्थ। यहाँ आप अपने जो भी कंट्री का, आप अपनी कंट्री यहाँ सेलेक्शन कर लेंगे। चलिए हम इंडिया का सिलेक्शन है तो इंडिया कर लेंगे। इसके बाद यहाँ आप अपनी स्टेट डाल लेंगे। एजुकेशन डाल देंगे अपनी। तो आप देख सकते हैं इसके अंदर मैंने अपनी एजुकेशन डाल दी। यहाँ आर यू श्योर पर्सन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद से अब यहाँ कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन पे हम अपना नाम डालेंगे, जो मेरा नाम है। सेकेंड नाम डालेंगे, उसके बाद से थर्ड नेम, अपने फादर का नेम। यहाँ मैंने यहाँ रिलेशनशिप फादर सिलेक्शन कर लिया है, मैं अपने फादर का नाम डालूँगा थर्ड नेम। यहाँ फर्स्ट नेम पापा का अपने, उसके बाद यहाँ अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, 9 66 के साथ डालेंगे आप। सॉरी कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा नंबर को।
चलिए अपना नंबर अब कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। फ़ोन नंबर, चलिए फ़ोन नंबर अपना डाल लेते हैं। आप देख सकते हैं आपका मोबाइल नंबर 0 के साथ डाल के होम नंबर आप डाल सकते हैं, नहीं है तो कोई बात नहीं है। उसके बाद आपके नेशनल एड्रेस की इंफॉर्मेशन यहाँ आ गई। अब यहाँ हम अपने सिटी डालेंगे, हम कौन सी सिटी से हैं, अभी कौन सिटी में हम वो डालेंगे। हम सऊदी अरब सेलेक्शन कर लें, यहाँ सिटी डालेंगे हम। रियाद, अब हम स्ट्रीट डालेंगे। आपके जो नेशनल एड्रेस पे सारी इन्फॉर्मेशन, या आपकी सारी इन्फॉर्मेशन नेशनल एड्रेस पे मौजूद होती है, तो अपना नेशनल एड्रेस खोल के सारी इन्फॉर्मेशन निकाल के यहाँ डालेंगे। चलिए हमने अपना यूनिट नंबर, मैंने सब अपने नेशनल एड्रेस से निकाल के यूनिट नंबर डाल दिया। अब हम यहाँ ज़िप कोड डालते हैं। ज़िप कोड और इसके बाद हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। सॉरी कुछ गड़बड़ है। सिटी, हल खर्च, चलिए इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद, सॉरी ऑडियो चेंज पे क्लिक करने के बाद हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। देख सकते हैं अब हमारा तीसरा पेज खुल गया। और तीसरे पेज पे हमको यहाँ से अपनी इंफॉर्मेशन सारी भरनी है। तो आप देख सकते हैं यहाँ हम इसको इसी तरह रखना है, पहले वाले पे इसी तरह रहने देंगे। सेकेंड एम्प्लॉय में हम यहाँ हम अपना सेक्टर डालेंगे। सेक्टर यहाँ हम प्राइवेट एम्प्लॉय डालेंगे। उसके बाद जॉब टाइटल, आपका काम आप किस चीज़ का है, ड्राइवर हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, फाइनेंस मैनेजर, तो चलिए हम ड्राइवर डाल देते हैं। एम्प्लॉय नेम यानी आपकी जो कफिल है उसका नाम डाल सकते हैं, या अपनी कंपनी का नाम डाल सकते हैं, जो आपका काम पर लिखा है वो डाल सकते हैं। अब यहाँ पूछ रहा है सर्विस ऑफ, सॉरी ईयर ऑफ सर्विस, कितने साल से आप जॉब कर रहे हैं सऊदी में। चलिए अपनी हम डाल देते हैं। देख सकते हैं हमने अपना डेट डाल लिया है। उसके बाद से यहाँ अब आपकी मंथली इनकम के बारे में पूछ रहा है, तो सैलरी पे क्लिक करेंगे आप। सैलरी पे क्लिक करने के बाद सेलेक्ट इनकम पे ओके करने वो रहने देख रहे। इसके बाद हम यहाँ मंथली इनकम डालेंगे अपनी, कैश कर देंगे हम यहाँ ट्रांसफ़र ऑफ कैश। हम कैश पे क्लिक करेंगे। उसके बाद से देख सकते हैं सारी चीज़ें आपके सामने आ गई। अब यहाँ आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। अब आपको सीधा नेक्स्ट है, नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। देख सकते हैं अब आपके सामने ऑनलाइन बैंकिंग का यूज़र नेम और पासवर्ड बनाने के लिए बोला जा रहा है। आप एक चीज़ नीचे और आके देख सकते हैं, पासवर्ड जो होने चाहिए 7 से लेकर 15 अल्फाज के बीच में, एक लोअर केस अपर केस नंबर स्पेशल चार्ज, मतलब ये सब सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। चलिए हम ठीक अपना बना लेते हैं पासवर्ड। तो आप देख सकते हैं आपका नंबर यहाँ सबमिट नहीं हो रहा है। देख सकते हैं कोई भी नंबर हम टाइप कर रहे हैं नहीं हो रहा है। तो हमको ये क्या करना पड़ेगा, हमको चलिए कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। कॉपी पेस्ट करके डालना पड़ेगा, जैसे मैंने आपको शुरू बताया कि इसका कॉपी पेस्ट का मसला है। तो चलिए हम कॉपी पेस्ट, तो आप देख सकते हैं हमने हमको एक एक नंबर कॉपी पेस्ट करना पड़ा। और कॉपी पेस्ट करके हम यहाँ सबमिट पे क्लिक करेंगे। सबमिट पे क्लिक करने के बाद थोड़ा वेट करेंगे।
देख सकते हैं माशाल्लाह, थैंक यू फॉर ओपनिंग ए अकाउंट ए एन बी एंड लुकिंग फॉर द फॉरवर्ड मीट योर फाइनेंशियल नीड। माशाल्लाह देख सकते हैं हमारा अकाउंट नंबर सारी चीज़ आ गई। आप लगे तो इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। चले हम इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लिया, आपके मोबाइल पे एक मैसेज भी आ गया सारी चीज़ें। तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह आपके अकाउंट नंबर सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन आगे चली आई है। अब हम थोड़ा अपना इंटरनेट बैंकिंग को भी ओपन कर लेते हैं। देख सकते हैं सर्विस ऑनलाइन बैंकिंग, हम यहाँ क्लिक करेंगे। यहाँ क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ आपसे टॉप में पूछा जा रहा है, सॉरी जूम नहीं हो रहा है, हम यहाँ अपना कामा नंबर डाल लेंगे। और यहाँ हम सबमिट पे क्लिक करेंगे। सबमिट पे क्लिक करने के बाद जो हमने अभी पासवर्ड डाला है वो पासवर्ड यहाँ डाल लेंगे हम, और फिर सबमिट पे क्लिक करेंगे और सीट पे। तो आप देख सकते हैं जो मैंने पासवर्ड पहले बनाया था वो पासवर्ड डालने के बाद आपके मोबाइल पे ओटीपी आएगी, ओटीपी डाल देंगे यहाँ हम। उसके बाद कंफर्म पे क्लिक करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ हम आप आई एग्री पे क्लिक करेंगे, उसके बाद हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ से कोई भी एक आप इमेज उठा सकते हैं। चलिए हम एक इमेज उठा लेते हैं, और इमेज ओके करने के बाद यहाँ आप एक कोड डाल देंगे, इंटर एक कैप्शन। तो चलिए हम डाल के बारह क्लिक करेंगे। देख सकते हैं जो आपका जीमेल उस पर भी एक मैसेज आ गया है। आप देख सकते हैं एनबी रजिस्ट्रेशन का मैसेज आ गया है। अकाउंट होने में थोड़ा ओपन होने में थोड़ा टाइम लग रहा है, नेट का मसला है थोड़ा। उसके बाद हम क्लोज पे क्लिक करेंगे। आप देख सकते हैं आपका अकाउंट कितनी आसान तरीके से माशाल्लाह सक्सेसफुली हमने अकाउंट भी अपना ओपन कर लिया, हमने अपनी आईडी बना लिया और हमने अपना अकाउंट भी रजिस्ट्रेशन कर लिया। ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपके साथ शेयर की, छोटी इन्फॉर्मेशन थी। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और साथ ही बेल आइकन बटन को भी क्लिक कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इसी टाइप की वीडियो लेकर आता रहता हूँ, तो जिससे आप लोग फ़ायदा उठा सके। और अगर आपको कोई अकाउंट खोलने में कोई प्रॉब्लम हो रही है, कोई परेशानी है, कोई मुश्किल पेश आ रही है, तो आप कमेंट्स बॉक्स में नीचे मुझे मैसेज कर सकते हैं आपकी परेशानी क्या है, क्या मसला आपको पेश आ रहा है, तो इंशाल्लाह मैं आपकी हेल्प करूँगा, मैं कोशिश करूँगा जल्द से जल्द आपका जवाब देने के लिए। तो आप देख सकते हैं मैं एक बार फिर बोल दूँ कि आप एक बार मेरे चैनल को फिर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो। चलिए ठीक है।